मॉड्यूल 67 सेवन कॉजिज ऑफ कंड डिसऑर्डर बायोलॉजिकली सो फर्स्ट वी विल डिसकस अबाउट द बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ कंडक डिसऑर्डर लाइक कौन से ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं uh, जो कि कंडक डिसऑर्डर को um, का रीज़न बन सकते हैं सो so इसके अंदर जो फर्स्ट कॉज uh, है uh, जो कि कंसिडर किया जाता है कि माइट भी द फैक्टर जो कि कंडक्ट डिसऑर्डर को डेवलप कर आ, कर रहे वो है निकोटीन यूज बाय द पेरेंट्स तो स्पेशली फॉर मदर्स ये कहा जाता है कि अगर मदर्स जो हैं वो निकोटीन का यूज़ कर रही हूँ या मैरिजवाना का यूज़ कर रही हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो बच्चा है उसके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं इसी तरह अगर अल्कोहल कंजम्पशन जो है आ, वो मदर की एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा है तो वो भी एक कॉज हो सकती है कि बच्चे को बाद के बाद में बिहेवियल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बच्चा एग्जिबिट करे और जो उसका कंडक्ट के इश्यूज़ हैं और वो डेवलप होना शुरू हो जाए इसी तरह प्री नेटल न्यूट्रिशनल डेफिशेंसीज अगर आ, बच्चा जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है माँ मा जो है उसकी मदर जो है वो उनको किसी किस्म की मैल न्यूट्रिशन है तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं के जो बच्चा है वो एक तो अंडर वेट डेवलप होगा जिसकी वजह से उसको बहुत सारे कंडक्ट इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि माल न्यूट्रिशन में ख़ास तौर तो पर अगर प्रोटीन डेफिशेंसी जो है वो आ, मदर के अंदर हो तो उसकी वजह से भी बच्चा जो है लेटर ऑन कंडक्ट डिसऑर्डर जो है आ, वो एग्जिबिट कर सकता है देन जेनेटिक कंपोनेंट जेनेटिक कंपोनेंट में ये कहा जाता है कि ऐसे पेरेंट्स या ऐसा फादर या ऐसी मदर जिनके अंदर एंगर का कंपोनेंट ऑलरेडी है या जो कंडक्ट डिसऑर्डर या जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो हैं वो एक्जिबिट कर रहे हैं उनके बच्चों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो भी इन फ्यूचर जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर एग्जिबिट करेंगे इसी तरह ट्विन स्टडीज़ Uh, जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि डाइजाइगॉड और मानोजागॉड में 50 परसेंट चांसेस होते हैं कि अगर एक के अंदर ये प्रॉब्लम है तो दूसरे के अंदर भी ये प्रॉब्लम uh, हो सकता है तो जेनेटिक कंपोनेंट जो है वो बहरहाल इसके अंदर uh, मौजूद होता है देन वी टॉक्ट अबाउट द सोशल कोर्गनेटिव डाफेसिट्स सोशल कोर्ग्नेटिव डेफिसिट की जब हम बात करते हैं तो ये मेनली uh, ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है कि ये जो बच्चा है Uh, वो सोशल स्किल्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पा रहा होता जिसकी वजह से अगर उसको बुलिंग uh, की जा रही है तो भी uh, वो बच्चा जो है वो उस सिचुएशन को नॉर्मली हैंडल नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो जाएगा और वो एग्रेसिव बिहेवियर जो है एग्जिबिट करेगा इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि क्योंकि ये बच्चे आमतौर पे ईगो सेंट्रिक होते हैं इनके अंदर लैक ऑफ एम्पति होती है दैट्स स्वाई Uh, ये जो है एग्रेसिव बिहेवियर एक्जिबिट करते हैं इसी तरह uh, उनके अंदर चूंकि मोरल रीजनिंग जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुई होती सो दे वर वेरी कैलस टूवर्ड्स अदर पीपल और वो uh, uh, जो है इस किस्म का बिहेवियर शो करते हैं uh, जिससे वो मोरालिटी का जो है वो ख्याल नहीं रखते और दूसरे लोगों को हर्ट करके अपने आप को जस्टिफाई समझते हैं इन दो बिहेवियर्स और एक्ट्स तो बेसिकली जो उनका सोशल कॉग्निटिव लेवल है uh, वो फुली uh, जो है uh, वो डेवलप नहीं हुआ होता एज़ कम्पेयर टू देयर अदर्स अदर एज मेट्स और पीयर ग्रुप सो वी कैन से ड्यू टू दैट डेफिसिट जो है वो बच्चा इस किस्म का बिहेवियर जो है uh, वो एग्जिबिट कर सकता है थैंक यू